मिस हो गया था क्योंकि फीमेल ही देख रहे थे चेक करके हमने। आप उसके कान पे नजर, वो तो नजर एक्टिव नहीं है भाई। ये हैदराबाद की पीर नस्ल में से है, इनके फादर अनमोल के नवासा है। अच्छा, और मदर साइड से मदर बोले तो आजाद ब्रीड लाइन की है। ओके, आजाद की डायरेक्ट पोतरी है। कॉम्बिनेशन है आजाद और अनमोल की ब्रीड का। हाँ, ये ड्यूटी लाइन अलग है, वो ब्रीड है हैदराबाद में। जी जी, और मदर लाइन इनकी जो है आजाद ब्रीड लाइन की है, और अनमोल जो आता है वो भी ऊंची ऊंची नस्ल का है। कितने कान है इसको? ये 18-8 कान है, 5 महीने का बच्चा है। ओनली शो है, नाम भी लगा रहे हैं इसके ऊपर, ब्रीड के लिए रख दिया हमें। सवाल नहीं पूछने के लिए, मतलब लोग देख के अपना शौक पूरा करने में। वाह, आप क्या पैदा हुआ था कि कैसे हुआ? जो मेरे पास ही पैदा हुआ था, इसकी नानी भी मेरे पास थी। तो मतलब मदर लाइन से भी कितनी अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं कि फादर लाइन पर देखिए, माशाल्लाह। और आई थिंक 95% ये वाइट ही है जी। अल्लाह, इसकी पूरी मदर लाइन टोटल ही वाइट है। अंबर का भांजा, गब्बर का नवासा आना है, गब्बर का नवासा है जी। ये पेडिग्री के हिसाब से जो नाम होते हैं ना, उसका पंच भी बहुत है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो मैं इसके चेहरे पे क्योंकि बाल निकाल लिया, बल्कि उतना चेहरा समझ में नहीं आ रहा उसको, तो चेहरे पे बफ उफ आ गया और माशाल्लाह अच्छा दिख रहा था चेहरा। सिंह भी मार्बल है इसकी, जैसे अपने को तो देखना नहीं है तो वो हिसाब से बाल निकाले, फिर भी बाल निकालने के बाद भी ये बेहतरीन है। वाह, इसका नाम क्या बड़े भाई? जमजम है इनका नाम, जमजम। मैं इसके लिए भी फीमेल समझा था नाम के हिसाब से, क्योंकि खास करके जमजम नाम फीमेल्स को देते हैं माशाल्लाह, लेकिन कोई जवाब ही नहीं था। ये तो बहुत हिस्टोरिकल बकरा है आने वाले टाइम में, तो मैं चाहता हूँ अगर ये फ़ोटो के टाइम पे आप लोग भी आ जाएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा।